शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से श्रद्धा, तुम रोना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लो जी, बस सब लोग के सामने हम ही गलत साबित हो गए। अरे सब तो यही कहेंगे ना कि ऐसी हालत में हमें श्रद्धा को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमने तो उसे बस जरा सा कुछ क्या बोल दिया कि उसके तो आंसू के नल चालू हो जाते हैं बस। भाभी, आज का आपका बोलने का कोटा खत्म हो गया? हाँ, हमारा मतलब है शांत हो जाइए ना, चुप हो जाइए। तनुजा जी, ये मत भूलिए कि हमारी भी एक बेटी है। कल ससुराल में इसके साथ ऐसा होगा ना, तब जाकर आपको अपने कर्म याद आएंगे। हाँ, हमारे ही कर्म बुरे हैं जो हमने इसे इतनी ढील दी। अरे सबको इसका दुख दिख रहा है, पर हमारे सपने जो टूटे उसका क्या? अरे कल गोद भराई में हमारा सर नीचे होगा और उसकी जिम्मेदार बस यही होगी। बस मम्मी, अब श्रद्धा के खिलाफ मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। पड़ गई कलेजे को ठंडक बेटे को माँ के खिलाफ करके। मम्मी, अभय प्लीज रहने दीजिए। श्रद्धा तुम ठीक हो? अबे श्रद्धा को अंदर ले जा बेटा। जी बाबा। चलो श्रद्धा। ये आजकल की लड़कियां कुछ ना कुछ होता ही रहता है इन्हें। हाँ, और नहीं तो क्या भाभी। अरे आजकल की लड़कियां ना बहुत ही कमजोर हो गई। हमारा मतलब है एक महीने से इससे खाट पकड़ी हुई है, लेकिन ये तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। श्रद्धा तो ठीक ही नहीं, जबरदस्त हो गई है। भगवान। आ जाओ, यहां बैठो, आराम कर। ये लो पानी पी लो। कैसा लग रहा? थोड़ी कमजोरी सी हो रही है और सर भी बहुत घूम रहा है। अरे बेटा, शुरू शुरू में ऐसा होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब अब क्या शुरू हो गया उसको? इस घर की खुशियां। पागल, तू पापा बनने वाला है। जानते थे कि माता रानी हमें कभी निराश नहीं करेंगी। भाभी, अब इतना बोलती रहती है तो माता रानी कैसे आपको निराश करती? हाँ, आपकी बात तो माननी ही थी, है ना? खुश रहो दोनों। खुश रहो। ऋतु, कल कीर्ति की गोद भराई में देखिएगा कैसे हम अपनी खुशी का ढोल बजाते हैं। अरे अब चलिए, बहुत सी तैयारियां करनी है, चलिए चलिए। अब क्या मुझसे भी शर्माओगी? यहां देखो। अरे यार, आज तो इन आंसू को छुट्टी दे दो। अब तो खुश हो ना? सर दिखाओ तो। अरे वाह, आज चेहरे की चमक तो कुछ अलग ही है मेरी श्रद्धा की। कल गोद भराई में सब फीके पड़ने वाले हैं।
सोनू, अरे मेरा सोनू बाबू कहाँ चला गया? सोनू, कहाँ है सोनू बाबू? हाँ, कहीं बेड के नीचे तो नहीं छुप गया? लगता है सोनू बाहर है कमरे से, है ना? छुपा बैठा था, है ना? आपको सब कुछ कैसे पता चल जाता है? क्योंकि मम्मा को सब पता होता है। चलो अब दूध पीने का वक्त हो गया है। हाँ, मुझे दूध नहीं पसंद। अरे दूध पीने से आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। चलो आ जाओ मेरा बच्चा। दूध नहीं पीना, जूस पीना है। ऑरेंज जूस। अबे आप ही ने इसे बिगाड़ के रखा है, मेरी एक बात नहीं सुनता। आप ही संभालिए इसे। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम सोफे पे ही सो गई? वो पता नहीं अचानक से कब आंख लग गई। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो नीचे जाना है, गोद भराई की तैयारी करनी है। जी आ जाओ। अग्नि ने बोला वो सब सच है। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से मैं तंग आ गया और मैं नहीं जानता कि कब और कैसे लगी मुझे उससे प्यार हो। इतनी मेहनत क्यों करी आपने? बेकार के फिर से दो दो जोड़े कपड़े खरीदने पड़े होंगे आपको। शाम 6 बजे जरूर आइएगा। हाँ हाँ। अरे अनुज, ये इतना हल्ला किस बात के लिए? अच्छा, मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लो बताओ, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटने को आप तैयार हैं, लेकिन अपनी समधन को भी तो बता दीजिए तनुजा भाभी। ऋतु जी, तनुजा जी ने हमें पहले ही बता दिया था। कैसे हो? अच्छे। दीदू, क्या हो रहा है? बस तुम इतना समझ लो कि अब तुम्हारी तरक्की होने वाली है। हाँ, अब इस घर में दो दो गोद भराई होगी। आप बनेंगे दूसरी बार दादी और हम बनेंगे दूसरी बार नानी। हल्के फुल्के में बात नहीं बननी, क्योंकि अब होगी जश्न की तैयारी दुगनी। अरे वाह, क्या आइडिया दिया था जी, मतलब कविता में बातें। तो मैं भी कुछ बोलूंगी, सब मुझे भी दो बधाई, क्योंकि मेरी भी अब बुआ बनने की बारी आई।
माता रानी की कृपा है जिन्होंने तुझे ये खुशखबरी दिलाई। जीवन में इतनी प्यारी जोड़ी है मिलाई और इस खबर से तेरी हर चिंता दूर भगाई। वाह 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 दीदू, मुबारक हो। जैसे बड़ी बहन होके अगर हमारे बच्चे ने आपके वाले पे रोब नहीं जमाया ना, तो हम समझेंगे वो हमारा नहीं पराया है। हे भगवान, कीर्ति कब अकल आएगी? हम तो बस माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं, हर बच्चे में गुण आए श्रद्धा जैसा। अरे भाभी, कल गोद भराई में कुछ सहेलियां हम भी बुलाएंगे और उनके सामने अपनी खुशी का ढोल हम भी बजाएंगे। हाँ, कुछ सहेलियां मैं भी बुला लेती हूँ, अपनी बेटियों की खुशियां सबको बता देती हूँ। अरे भाई, होने वाले पिता को भी तो बधाई दो। अरे क्या ताऊ जी, सब लोग कितना अच्छा कविता में बोल रहे थे, आपने तो पूरी की पूरी चेन ही तोड़ दी। अब आरती, तू चिंता मत कर, ये चेन मैं नहीं तोड़ूंगा। इस नए सफर में अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और कीर्ति भाई, कीर्ति, हम ताऊजी ताईजी बनेंगे या मौसा मौसी, जो भी हो, इस बार हर नया रिश्ता मैं प्यार से जोड़ूंगा। और अब तो मैं दुगुनी खरीदारी करूंगा, दोनों बच्चों को बराबर से बिगाड़ूंगा। अरे वरुण, ऐसे कैसे अकेले चल दोगे? अरे बच्चों के लिए कैसे करते हैं खरीदारी, अब तुम देखोगे। एक बार चल के डॉक्टर को दिखवा ले क्या? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल के लिए पूछ सकता हूँ। जी दीदू, आप भी ना हमारे रंग का कपड़ा पहन लीजिए, गोद भराई में पक्की बहने लगेंगे। क्या देख रही है दीदू? दीदू इतनी जल्दी नहीं आएगा, अभी लगेगा कि कब आएगा, और जब आएगा ना तो लगेगा कब जाएगा। कीर्ति, मुझसे तो ना इंतजार ही नहीं हो रहा है। अच्छा मुझे ये बता ना, क्या तेरा भी कुछ खट्टा चटपटा ये सब खाने का मन करता था? बहुत ज्यादा, दिन भर ना बस चाट खाने का दिल करता। और क्या तुझे चक्कर सा भी आता था और सुबह सुबह उल्टी जैसा भी लगता था? पूछो मत दीदू, तो परेशान हो जाते थे, दिन रात बस ऐसा लगता था बिस्तर पे ही पड़े रहे। सच में मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। दीदू, कल ना जब डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखकर साफ साफ बोलेंगे कि आप माँ बनने वाली हैं, तब सारी परेशानी ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएगी, देखना। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। बधाई हो तनुजा, तुम्हें भी। अरे सब माता रानी की कृपा है, वरना आजकल के डॉक्टरों को तो आप जानती हैं, केवल डराते हैं। श्रद्धा जैसी बहू के ऊपर तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ऐसे श्रद्धा दिखाई नहीं दे रही है, महीने से ऊपर हो गया उससे मिले हुए। अरे अभय उसे डॉक्टर के पास ले गया है चेकअप के लिए, दोनों आते ही होंगे। आप लोग आइए ना, बैठिए। सजावट तो बहुत बढ़िया की, गुलाबी और नीले कपड़े पहनकर सब कितने अच्छे लग रहे हैं। वरुण को कहकर मैंने कार्ड बनवाया था। अच्छा, हमारे घर की इतनी सक्षम औरतों के लिए हम सब गुलाबी पहनेंगे और माँ के लाडले बेटों के नाम सारी औरतें नीला पहनेंगी। कीर्ति ने मुझे टॉक टॉक पे दिखाया था। वाह, मतलब तुम भी नए जमाने के साथ चलने लगे हो। थोड़ा थोड़ा, बहुत बढ़िया।
रितु ने इसे बुलाया क्या? हमें तो नहीं पता। विजय जी को रितु ने नहीं, तनुजा और हमने बुलाया है। जाइए जाइए, स्वागत कीजिए इनको। नमस्ते। आइए आइए। बधाई हो आप दोनों को। आपको भी। थैंक यू। मतलब है कि आप यहाँ कैसे? असल बात ये है कि आप तो अपने ओकेजन में मुझे बुलाती नहीं, तो इस बार आपकी भाभियों ने मेहरबानी कर दी। ये आजकल ना हमारी भाभियों के दिमाग बहुत चलने लगे। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। कीर्ति आ गई। कैसी हो? बहुत प्यारी लग रही हो। हम ये माता रानी का आशीर्वाद लेके आए थे श्रद्धा और कीर्ति दोनों के लिए। श्रद्धा दिखाई नहीं दे रही वो? अरे नाम लिया और आ गए वो। श्रद्धा बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब बेटा, रिपोर्ट मिल गई? एक घंटे में घर ही आ जाएगी। बहुत प्यारी लग रही हो और आप भी। अच्छा ये सब छोड़िए और बेटा अंदर चलो तुम। हाँ तुम्हारी बहू की बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी तनुजा। उसने इतना कुछ सहा लेकिन फिर भी खड़ी है और अब तो वो माँ बनने वाली है। अरे हम तो रोज माता रानी के सामने दिया जलाते हैं कि हमारे घर का चिराग जल्द से जल्द घर आ जाए। श्रद्धा बेटा, तुमने बाहर कुछ खाया तो नहीं ना? नहीं। हम तुम्हारे लिए जूस बना के रखे हैं, हम अभी लाते हैं। हाँ बातें ही करते रहोगे क्या? इतना बड़ा खुशी का मौका है तो थोड़ा नाच गाना तो बनता है ना? क्यों बुआ जी? हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं, चलो शुरू करते। दिलीप भैया,
आप सारे जेंट्स को लेकर ऊपरी मंजिल जाकर बैठिए, चाय नाश्ता आप लोगों का इंतजार कर रहा है, ये लेडीज का फंक्शन है, जेंट्स नॉट अलाउड, चलो चलो चलो, चलिए 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 चलिए, जाइए जाइए। आप दोनों को हम अलग से चिट्ठी लिखे, तुम लोग भी निकलो, चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो चलो, बुआ जी हमको देखना है। नहीं देख सकते आप लोग, लेडीज का फंक्शन है, चलो चलो। जी जी बिल्कुल ओके नहीं है, आपको भी जाना है, चलिए जाइए। हम एक मिनट में आते हैं, रिपोर्ट है ना? हाँ हाँ दीजिए दीजिए। चलिए अब रसम की शुरुआत करते हैं। माँ हम चाहते हैं कि रसम की शुरुआत दीदू से हो। श्रद्धा के शुभ हाथों से ही हम रसम की शुरुआत करेंगे। भाभी क्या हुआ, चलिए ना। श्रद्धा माँ नहीं मान सकती। तुम एक अशुभ हाथों से अपनी बहू की गोद भराई की रसम नहीं कर सकती। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।